अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे एशियन अरेदीन का लोगो। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। वेट अ सेकंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि हर आने वाले नई वीडियो आपको सबसे पहले आए। तो चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अब हम पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करेंगे। एप्लीकेशन ओपन करके अब हम यहाँ इस न्यू टेक्स्ट को डिलीट करेंगे। इसको डिलीट करके यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ इमेज साइज़ पे क्लिक करेंगे। यहाँ कस्टम पे क्लिक करके यहाँ यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ इसको हम ओके करेंगे। ओके करके अब हम यहाँ प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे। प्लस के निशान पर क्लिक करके शेप पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ शेप पर क्लिक करके यहाँ से अब हम सर्कल को सेलेक्ट करेंगे। सर्कल को सेलेक्ट करके यहाँ नीचे आएंगे, इसको ब्लैक करेंगे। सही है, इसका कलर जो है हम ब्लैक करेंगे। इसको टिक करके अब हम यहाँ दोबारा शेप पे क्लिक करेंगे। शेप पे क्लिक करके यहाँ सर्कल लेंगे दोबारा। सही है, सर्कल लेकर इसको यहाँ पर दरमियान में रखेंगे। इसको यहाँ टिक करके फिर यहाँ नीचे स्क्रॉल करके पोजिशन रिलेटिव पर क्लिक करेंगे। यहाँ इसको बिल्कुल मिडल में रखकर टिक करेंगे। सही है, तो यहाँ ब्लेयर पे क्लिक करेंगे, इनको लॉक करके फिर यहाँ शेप पे क्लिक करेंगे। शेप पे क्लिक करके अब हम यहाँ सर्कल को सेलेक्ट करेंगे। सर्कल को सेलेक्ट करके यहाँ इसके ओपेसिटी जो हम ज़ीरो करेंगे और स्ट्रोक जो है तकरीबन 42 रख कर टिक करेंगे। सही है, इसको यहाँ पर टिक करके फिर यहाँ पोजीशन रिलेटिव पे आएंगे। यहाँ पर आके इसको बिल्कुल सेंटर में करेंगे। फिर यहाँ पर इसको अब हम टिक करेंगे। फिर यहाँ स्क्वायर को मिड पे रखेंगे। मिड पे रख कर फिर यहाँ दोबारा स्क्वायर पर लेंगे वाइट को। अब इसको यहाँ पर इसके सेंटर में ही एडजस्ट करेंगे। सही है, इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से एडजस्ट करके अब हम इसको यहाँ पर एडजस्ट करके फिर हम यहाँ लेयर पे क्लिक करेंगे। सही है, यहाँ अब लेयर पे क्लिक करके ये हमने जो लॉक किया था वो अनलॉक करेंगे। अब ये सारे खाली खानों जो है इसको हम टिक करके तो मर्ज करेंगे। सही है, तो इन सारों को हम यहाँ टिक करेंगे। टिक करके मर्ज करके ओके पे क्लिक करेंगे। सही है, ओके पे क्लिक करके फिर नीचे स्क्रॉल करके एरेस कलर को इनेबल करेंगे। सही है, इसको इनेबल करके फिर यहाँ दोबारा स्क्वायर पर लेंगे। इसको यहाँ छोटा करके यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे। इसको एडजस्ट करके अच्छी तरीके से। सही है, फिर यहाँ पर हम इसकी एक और कॉपी बनाएंगे। फिर इसकी एक और कॉपी बनाकर इसको यहाँ दूसरी जगह पर एडजस्ट करेंगे। फिर यहाँ लेयर पर क्लिक करके इन तीनों को हम मर्ज करेंगे। ओके पे क्लिक करके फिर यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ इरेज कलर पे क्लिक करके इसको इनेबल करेंगे। सही है, इनेबल करके यहाँ पर टिक करेंगे। प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, शेप पे क्लिक करेंगे। यहाँ स्क्वायर को लेकर इसका कलर ब्लैक करेंगे। इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे। इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से एडजस्ट करेंगे। सही है, इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से एडजस्ट करके फिर यहाँ इसकी एक और कॉपी बनाएंगे। एक और कॉपी बनाकर यहाँ दूसरी जगह पर इसको एडजस्ट करेंगे। सही है, इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से एडजस्ट करके प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से शेप पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम सर्कल को लेंगे, इसके ओपेसिटी ज़ीरो करके स्ट्रोक जो है वो तकरीबन हम 21 रखकर यहाँ हम वाइट करके इसको हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। सही, इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से एडजस्ट करके पोजीशन रिलेटिव पे क्लिक करके इसको एकदम सेंटर में करके इसको यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करके फिर यहाँ लेयर पे आएंगे। लेयर पे क्लिक करके इस लास्ट को और टॉप को हम मर्ज करेंगे। सही है, इसको मर्ज करके फिर यहाँ इरेज कलर पे आएंगे। इसको इनेबल करेंगे, इनेबल करके यहाँ टिक करेंगे। फिर इसकी एक और कॉपी बनाएंगे। फिर इसको यहाँ से हम रिमूव करेंगे।
करेंगे, यहाँ टिक करके फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर यहाँ आप स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, स्ट्रोक को इनेबल करेंगे। सही है, इनेबल करके इसका स्ट्रोक जो है वो हम तकरीबन रखेंगे 2। फिर टिक करके अब हम यहाँ लेयर पे क्लिक करेंगे, लेयर पे क्लिक करके इन दोनों को मर्ज करेंगे। सही है, यहाँ पर टिक करके ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करके अब हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करके स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, इसको इनेबल करेंगे, इनेबल करके इसका स्ट्रोक जो हम 2 रखेंगे, 2 रख कर इसको टिक करेंगे। तो यहाँ शेडो पे आएंगे, शेडो पे क्लिक करके इसको इनेबल करेंगे, इनेबल करके ब्लर रेडियस जो है इसको हम यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 रखकर ऑफसेट वाई जो है इसको हम तकरीबन यहाँ रखेंगे 15, और ऑफसेट एक्स जो है इसको हम तकरीबन रखेंगे तो भी हम 15 ही रखेंगे। इसको टिक करेंगे, टिक करके तो व्यूअर हमारा लोगो तकरीबन बन चुका है। इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे, छोटा करके इसको सेंटर में रखेंगे। फिर यहाँ अब हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पर अब हम टेक्स्ट में इसको रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करके यहाँ पर हम एक्शन अलादीन लिखेंगे। सही है, एक्शन अलादीन लिख कर आप अपनी मर्ज़ी से जो लिखना चाहे लिख ले, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। सही है, इसको यहाँ पर एक्शन अलादीन लिख कर इसको हम यहाँ पर अब टिक करेंगे। सही है, शेडो पे आएंगे, शेडो पे क्लिक करके यहाँ इसको इनेबल करेंगे, इसको इनेबल करके यहाँ हम इसका कलर चेंज करेंगे। सही है, इसके ऊपर इस चीज़ शो करेंगे, ब्लर रेडियस 20, एक्सपेंड वाई जो है वो 3 रखकर टिक करेंगे। सही है, इसको हम यहाँ नीचे रखेंगे थोड़ा। अब हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो गैलरी में आएंगे, बैकग्राउंड हमने चेंज कर दिया है। तो इस तरह भी और हमारा लोगो जो है वो बन चुका है, बैकग्राउंड भी चेंज हो चुका है, कलर भी। सही है, तो इसको हम यहाँ सेव करेंगे। तो यहाँ पर अब हम शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ हम क्वालिटी पे क्लिक करेंगे, इसको अल्ट्रा में सेव करेंगे, सेव टू गैलरी। तो इस तरीके से हमारा लोगो जो है वो बन चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई मसला आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह पामान।